नमस्ते स्टूडेंट्स, हमेशा खुश रहो बेटिया। आई एम जेवियन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी हेडेक। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी हेडेक्स, ठीक है। तो सेकेंडरी हेडेक, सम ऑफ देम आर नॉट हार्मफुल सच एज सर्वाइकोजेनिक पेन अराइजिंग फ्रॉम द नेक मसल्स। तो सेकेंडरी है कि हमने डिस्कस किया था कि वो किसी अंडरलाइंग डिसीज की वजह से होते हैं और वो हार्मफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स ऑन द रेड फ्लैग्स, ठीक है। वो साइंस, कुछ पर्टिकुलर साइंस आपको अगर मिलते हैं दैट मीन्स इट इज डेंजरस, अगर वो नहीं है तो दैट मीन्स इट इज हार्मलेस। तो इसमें से कुछ ऐसे हेडेक होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकोजेनिक हेडेक इज अ पेन दैट डेवलप्स इन द नेक थ्रू अ पर्सन फील्स द पेन इन देयर, दो पर्सन फील्स द पेन इन देयर हेड, ठीक है। पेशेंट्स का जो पेन है वो नेक से स्टार्ट होगा, लेकिन उसको पेन कहाँ से फील होगा, हेड में, ठीक है। सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स होते हैं वो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं, ठीक है। यानी किसी अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से, अगर कोई नेक इंजरी है, इन्फेक्शन है या हाई बीपी है, तो उसकी वजह से हो सकता है। मेडिकेशंस फॉर यूज हेडेक में अकर इन दोज यूजिंग एक्सेसिव पेन किलर फॉर हेडेक पैराडॉक्सिकली कॉजिंग वर्सनिंग हेडेक, ठीक है। एक होता है मेडिकेशन के ओवर यूज की वजह से, अगर पेशेंट कोई हेडेक के लिए पेन किलर ले रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये कई बार और ज्यादा हेडेक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि पेन किलर की वजह से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हेडेक और ज्यादा वर्स हो जाता है, ठीक है। देन कम्स द रेड फ्लैग्स, ठीक है। अमेरिकन हेडेक सोसाइटी ने रिकमेंड किया है स्नूप, एक निमोनिक रिकमेंड किया है, ताकि हम रेड फ्लैग्स जो है सेकेंडरी हेडेक के वो याद रख सकें, ठीक है। तो रेड फ्लैग्स होते क्या है, रेड फ्लैग्स मीन्स अ वार्निंग ऑफ डेंजर, ठीक है। रेड साइन इज अ डेंजर साइन एंड रेड फ्लैग इज यूज्ड एज अ वार्निंग ऑफ डेंजर, इट इज अ सिंबल ऑफ डेंजर, ठीक है। अगर इसमें आपको एस फोर सिस्टमिक सिम्टम्स, ठीक है, अगर आपको फीवर मिलता है, वेट लॉस मिलता है, दैट मीन्स इट इज अ बिट डेंजरस। सिस्टमिक डिसीज अगर मिलती है, जैसे साथ में एसोसिएटेड एचआईवी, आपको इन्फेक्शन मिल रहा है पेशेंट को या मैलिग्नेंसी है, देन द सेकेंडरी हेडेक इज अ लिटिल बिट डेंजरस। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या साइंस मिलते हैं, देन इट इज डेंजरस। ऑनसेट सडन है, अगर थंडर क्लैप हेडेक है, एकदम से सीवियर टेस्टिंग का पेन हो रहा है, सडन ऑनसेट है, दैट मींस इट इज डेंजरस। ऑनसेट अगर 40 इयर्स के बाद में है, देन इट इज डेंजरस। अगर प्रीवियस कोई हेडेक हिस्ट्री है, फर्स्ट वर्स्ट और डिफरेंट हेडेक, ठीक है। अगर आपको हेडेक की पहले हिस्ट्री मिलती है, या फिर ये फर्स्ट हेडेक है, कोई हिस्ट्री नहीं है, वर्स्ट हेडेक है, पहले हेडेक होता था लेकिन उसमें इंटेंसिटी बहुत कम थी, इस बार सीवियर हेडेक है, या फिर कोई डिफरेंट टाइप का हेडेक हो रहा है, ये आपको उसमें हिस्ट्री टेकिंग में आपको पूछना होगा। देन मोर सीरियस कॉज ऑफ हेडेक, सीरियस सेकेंडरी हेडेक्स इंक्लूड, उन्होंने कॉजेज बताए किस किस रीजन से सेकेंडरी हेडेक हो सकता है, किसके डिसीज में सेकेंडरी हेडेक होता है। फर्स्ट वन इज मेनिनजाइटिस, ठीक है। तो मेनिनजाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस विच प्रेजेंट्स विद फीवर एंड मेनिंजिस्मस, हेडेक, फोटोफोबिया, स्टिफ नेक, ठीक है। तो मेनिनजाइटिस होता है, तो मेनिनजाइटिस में आपको क्या होगा, पेशेंट को उसमें इन्फ्लेमेशन मेनिंजेस होती है, उसमें एक ट्रायड मिलता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं मेनिंजिस्मस, मेनिंजिस्म, और उसमें एक तो न्यूकल रिजिडिटी मिलती है, दैट इज द नेक स्टिफनेस मिलती है, फोटोफोबिया मिलता है, इंटॉलरेंस ऑफ ब्राइट लाइट होती है, और साथ में हेडेक होता है, ठीक। द नेक्स्ट इज द इंट्राक्रेनियल हेमरेज, अगर ब्रेन के अंदर कोई हेमरेज हुई है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, तो उस केस में पेशेंट को हेडेक होगा, ठीक है। सब एरेक्नॉइड हेमरेज है, ठीक है, जो एरेक्नॉइड के नीचे अगर जो स्पेस होता है उसमें अगर ब्लीडिंग हो जाती है उस स्पेस में, सर्पेरनॉइड स्पेस में, तो वहां पे इसकी वजह से पेन होगा, एक्यूट सीवियर हेडेक, स्टिफ नेक विदाउट फीवर, ठीक है। पेन कैसे होगा, एक्यूट और सीवियर होता है, नेक स्टिफनेस मिलती है, लेकिन उसमें फीवर वाला सिम्टम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर रप्चर्ड एन्यूरिज्म है, ठीक है, तो व्हाट इज एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म इज अ बलून लाइक बल्ज ऑफ एन आर्टरी वॉल,
के आर्टरी वॉल में कोई बल्ज हो जाते हैं, अगर वो रप्चर हो जाता है दैट मीन्स तो उसकी वजह से हेडेक होता है, ठीक है। आर्टेरियोवीनस मैल फॉर्मेशन, ठीक है, जो हमारा आर्टेरियोवीनस जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर वहाँ पे अबनॉर्मल कनेक्शंस है आर्टरीज और वीन्स के बीच में, अगर ब्रेन में या स्पाइन में अबनॉर्मल कनेक्शंस हैं, एबीएम इसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट को हेडेक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो इजिली रप्चर कर सकती हैं और ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। फिर है इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज, ठीक है, इंट्रा पेरेन्काइमल अगर हेमरेज मिलता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक होगा, लेकिन खाली हेडेक का ही सिम्टम मिलता है आईपीएच में, ठीक है। आईपीएच इज द फॉर्म ऑफ इंट्रा सेरेब्रल ब्लीडिंग इन विच देयर ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन पेरेन्काइमा, ठीक है। द नेक्स्ट इज द ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर पेशेंट को डल टाइप का हेडेक होता है, वर्स विद एक्सर्शन एंड चेंज इन पोजीशन अकॉम्पनीड बाय नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो उसे पेशेंट को नोजिया होता है, वॉमिटिंग का सिम्टम होता है, पेशेंट जैसे अपनी पोजीशन चेंज करता है या एक्सर्शन होता है फिजिकल एक्सर्शन, तो उसकी वजह से वर्स हो जाता है पेन। ऑफन द पर्सन विल हैव नोजिया एंड वॉमिटिंग फॉर वीक्स बिफोर द हेडेक स्टार्ट्स, उसमें देखा गया है जो नोजिया और वॉमिटिंग वाले सिम्टम्स होते हैं वो हेडेक शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हो जाते हैं। टेम्पोरल आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ आर्टरीज कॉमनली इन द एल्डरली विद फीवर थ्रॉबिंग हेडेक वेट लॉस जो क्लॉडिकेशन टेंडर वेसल्स बाय द टेम्पल्स पोलीमेल्जिया रूमेटिका, ठीक है। तो टेम्पोरल आर्टरीज जो होती हैं उनका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल आर्थराइटिस, ठीक है, यानी इन्फ्लेमेशन द ब्लड वेसल्स इन एंड अराउंड द स्कैल्प, ठीक है। तो उसमें एल्डरली कैसे मिलता है, मेनली फीवर मिलता है पेशेंट को, थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक मिलता है और जॉ क्लॉडिकेशन मिलेगा, जॉ क्लॉडिकेशन मीन्स उसमें जो आपका उसमें थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा जॉ मसल्स का, ठीक है। जब पेशेंट फ्रॉम फूड लाइक मीट या च्युइंगम वो चू करता है तो पेशेंट को फटीग होगी, डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। अगर कभी जो क्लॉडिकेशन मिलता है इट इज अ प्रेडिक्टिव ऑफ टेम्पोरल आर्थराइटिस, ठीक है। और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, टेम्पोरल ब्लड वेसल्स हैं, वो कैसी हो जाएंगी, टेंडर हो जाती हैं, ठीक है। फिर पोलीमेल्जिया रूमेटिका विच इज कॉल्ड अ पीएमआर, इट इज अ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग मसल पेन एंड स्टिफनेस अराउंड द शोल्डर्स एंड हिप्स, ठीक है। हिप्स और शोल्डर्स के अराउंड जो मसल्स हैं वो में पेन होता है और स्टिफनेस होती है, ये टाइप का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, वो आपको टेम्पोरल आर्थराइटिस से मिलता है। फिर नेक्स्ट है एक्यूट क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ठीक है, कॉज ड्यू टू द इंक्रीज्ड प्रेशर इन द आईबॉल, जब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ग्लूकोमा होता है। हेडेक दैट स्टार्ट्स विद आई पेन ब्लरी विजन एसोसिएटेड विद नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो पेशेंट को आई से पेन स्टार्ट होगा और ब्लर विजन होगी और नोजिया वॉमिटिंग मिलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो पेशेंट की रेड आई होगी और सिक्स विद डायलेटेड पिपल होता है, ठीक है। तो पिपल होगी वो फिक्स्ड होगी और जो डायलिटेशन प्रॉपर होना चाहिए वो मिड डायलेटेड होता है, प्रॉपरली डायलिटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में ये सारी चीजें मिलेंगी। और पोस्ट इक्टल हेडेक्स, पोस्ट इक्टल हेडेक्स में हेडेक दैट हैपन आफ्टर कन्वर्जन और अदर टाइप्स ऑफ सीजर्स अ पार्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर द सीजर द पोस्ट इक्टल स्टेज, ठीक है। तो पेशेंट का कोई कन्वर्जन आया या सीजर हुए उसके बाद में जो हेडेक होता है दैट इज कॉल्ड अ पोस्ट इक्टल हेडेक, क्योंकि ये सीजर के पीरियड के बाद हो रहा है, उस पीरियड को बोलते हैं सीजर के बाद पीरियड पोस्ट इक्टल स्टेट, इसलिए इस हेडेक को बोलते हैं पोस्ट इक्टल हेडेक। नेक्स्ट इज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की वजह से भी सेकेंडरी हेडेक हो सकता है, जैसे कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन की वजह से या सीलिक डिसीज की वजह से या आईपीएस की वजह से, ठीक है, या फिर गैस्ट्रो पैरेसिस की वजह से हो सकता है। फिर
गैस्ट्रोपरेसिस इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द स्टमक मसल्स एंड प्रिवेंट्स प्रॉपर स्टमक एम्प्टिंग, या हेपेटोबिलियरी डिसऑर्डर्स की वजह से भी सेकेंडरी इन्फेक्शन सेकेंडरी हेडेक हो सकता है. देन कम्स द ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी हेडेक. इट इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज. सबसे पहले अंडरलाइंग कॉज जिस डिसीज की वजह से वो हेडेक है उसको आपको ट्रीट करना है. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन विद मेनिंजाइटिस विल रिक्वायर एंटीबायोटिक्स. अगर मेनिंजाइटिस की वजह से इन्फ्लेमेशन मेनिंजेस की वजह से अगर पेशेंट को सेकेंडरी हेडेक है तो उस केस में आपको एंटीबायोटिक्स उसको देनी है. अ पर्सन विद अ ब्रेन ट्यूमर में रिक्वायर सर्जरी, कीमोथेरेपी और ब्रेन रेडिएशन. ठीक है, अगर किसी ट्यूमर की वजह से उसको हेडेक हो रहा है तो आपको उसमें उसकी प्रॉपर सर्जरी करनी है या कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी करनी है. ठीक है, तो हेयर कम्प्लीट्स आवर टॉपिक हेडेक. थैंक यू सो मच. दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी. आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माय डिजिटल सेशन. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिजॉल्व इट सून. थैंक यू सो मच.